Good morning, HTTV students. I am Harshita, your computer teacher. Today our topic is shortcut key. So first key is control plus A is equal to select all. Students, हमने computer में कुछ भी text को type किया है और उसे हम select करना चाहते हैं तो हम shortcut key का use करेंगे control plus A. जिससे क्या है, जितना भी हमारा matter है वो क्या है, select हो जाएगा. फिर देखिए control plus S is equal to save. Control plus S से क्या होता है, save हो जाता है. Like हमने my teacher लिखा है और उसको हम save करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, control plus S करेंगे, उसके बाद name देंगे और उसको save कर देंगे तो वो हमारा जो भी document है, जो भी हमने text को type किया है वो save हो जाएगा. फिर देखिए control plus O, open. Like हमने my teacher का जैसे मैंने example दिया, हमने उसको save कर दिया. Next day आते हैं हम हमारी file को open करना चाहते हैं जिसमें हमने my teacher लिखा है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, इससे ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जो जिस नेम से हमने हमारा जो डॉक्यूमेंट सेव किया था उसको टाइप करेंगे और उसके नीचे एक डायलॉग बॉक्स में एक बटन होगा ओपन, इससे क्या होगा वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा. फिर देखिए कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कॉपी. एंड कंट्रोल प्लस वी होता है हमारा पेस्ट. एंड कंट्रोल प्लस एक्स होता है हमारा कट. मान लीजिए मैंने टाइप किया है आई एम अ स्टूडेंट, फिर मैंने टाइप किया है आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट है स्टूडेंट्स, इसको मैं चाहती हूँ कॉपी करना चाहती हूँ 5 times और मैं राइट नहीं करना चाहती, टाइप नहीं करना चाहती तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस सी करूंगी. फर्स्टली हमें सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सिलेक्ट करके फिर हम करेंगे कंट्रोल प्लस सी, इससे क्या होगा वो कॉपी हो जाएगा. कॉपी करने के बाद हमारा कर्सर सिर्फ आगे रखेंगे जहां पे हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, फिर हम करेंगे कंट्रोल प्लस वी, इससे क्या होगा वो पेस्ट हो जाएगा जो हमने कॉपी किया है. फिर देखिए कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, कट. कट मीन्स लाइक हमने राइट किया था आई एम अ स्टूडेंट, फिर हमने राइट किया है आई एम अ टीचर. अब आई एम अ टीचर के बाद मैंने लिखना है आई एम अ स्टूडेंट और जो ऊपर मैंने लिखा है आई एम अ स्टूडेंट वहां से मैं उसको कट करके आई एम अ टीचर के बाद उसको लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट आई एम अ स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद उसको करूंगी कंट्रोल प्लस एक्स, वो क्या हो जाएगा वहां से कट हो जाएगा. आई एम अ टीचर के बाद अपना कर्सर रखूंगी और उसको करूंगी कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट. मीन्स पेस्ट करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस वी तो वो जो हमारा है आई एम अ स्टूडेंट आई एम अ टीचर के बाद पेस्ट हो जाएगा. फिर देखिए कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ क्या होता है, फाइंड. लाइक हमने राइट किया है आई एम अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट हमें फाइंड करने के, स्टूडेंट मैंने कहा राइट किया है तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस एफ और फिर आ जाएगा फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. वहां पे हम क्या है हमारा जो भी वर्ड हमें फाइंड करना चाहिए, स्टूडेंट फाइंड करना है तो स्टूडेंट राइट कर देंगे एंड फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा स्टूडेंट जहां पे भी होगा वो फाइंड हो जाएगा. फिर देखिए कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, न्यू. मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया माय टीचर के नेम से और फिर मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहती हूँ, न्यू पेज ओपन करना चाहती हूँ तो मैं क्या और करूंगी कंट्रोल प्लस एन, जिससे क्या है न्यू डॉक्यूमेंट न्यू पेज ओपन हो जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.